वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से तानी शैतानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो पर करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले जो कांडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कांडली जल्दी से जाएं, इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। और सुनाए कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। आज मैं पकाने लगी हूँ एक इंडोनेशियन डिश। ये मैंने सीखी है अपनी शादी के बाद, यानी कि अम्मी जी से, अपनी सासू माँ से। तो ये इनके घर पकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने जब हमारी शादी हुई थी तो मुझे बोला था ये मेरी सबसे फेवरेट डिश। आप तो पता नहीं अभी कितनी हो गई होगी, लेकिन तब मुझे ये बोला गया था। तो ये मैंने जी पहली दफा शादी के बाद खाई थी। नीचो सुन के आप ये ना पता नहीं कौन सी डिश है, जब आप देखोगे तो आपको लगेगा तो बड़ी सिंपल सी डिश है। तो चलिए जी आपको आज दिखाती हूँ कि मी चोल कैसे बनाते हैं। तो मी चोल बनाने के लिए आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा ये आपको दिखाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने चिकन को कैसे पकना रखा, पहले वो देखते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं। ये मी चोल के चिकन बनाने के लिए मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ इकट्ठा पीस लिया और 2.5 डोइया डाली हैं ऑलिव ऑयल की। तो अब इसको इतना पकाएंगे जब तक प्याज जो है वो ब्राउन नहीं हो जाता। अच्छा जी, तो चिकन को मैंने ऑनियन को रख दिया। अब ऑनियन जैसे ही ब्राउन होंगे तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। तो ये बेसिकली बनती है तीन चीजों से। इसमें होते हैं नूडल्स, व्हाइट राइस, चिकन, और इसके साथ रायता, टिकिया, जो कुछ भी आपने बनाना हो, और साथ में ऑब्वियसली प्रॉन क्रैकर। तो आज प्रॉन क्रैकर हमारे घर में नहीं है तो, लेकिन हम उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। सबसे पहले मैं अपनी उस बहन के लिए बता दूं कि कि जो उन्होंने कल की मेरी डिश देखी थी लज़ानिये की, उसके लिए उन्होंने पूछा था कि अगर ओवन ना हो तो क्या करें। अच्छा जी, तो ओवन में रखना जरूरी है क्योंकि उसमें फिर उसकी तहें बनती है और चीज कुक हो जाती है और ऊपर से जो व्हाइट सॉस डाली है वो अच्छे से हो जाती है। तो अगर आपके पास ओवन नहीं है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक यानी कि छोटा ओवन भी नहीं, माइक्रोवेव भी नहीं है, तो फिर आप क्या करें, आप इतनी डिश लें जो आपके पास एक बड़े पतीले के अंदर आ जाए। आप उस पतीले को पहले गर्म कर लें, गर्म करने के बाद उसको ढक्कन रख के डिश उसके अंदर रख के उसको इतना पकाएं कि वो ऊपर से ब्राउन सी होना शुरू हो जाए। तो यही इसका एक हल हो सकता है। और मुझे तो कोई नहीं, तंदूर तो लोगों के घरों में है नहीं कि आप तंदूर में रख दे तो फिर, तो यही मैंने तो सोचा कि शायद पतीले में रख के ये हो सकता है। तो ये जो आज मैं बना रही हूँ ये एक वीडियो में नहीं कंप्लीट होंगी, ये इसकी दो बनेगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको चिकन आज दिखाती हूँ और फिर जिस दिन भी मी की हुई उस दिन आपको वो दिखा दूंगी, साथ में व्हाइट राइस मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आपको टिप दूंगी। तो जैसे ही ये बनता है, ऑनियंस फ्राई होते हैं तो उसमें चिकन ऐड करते हैं। जी चिकन के लिए जो सालन के लिए प्याज है वो भी तकरीबन ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर भी डाल देते हैं चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये तकरीबन 1 किलो है, 1.5 किलो था, इसमें से मैंने ना थोड़ा सा निकाल लिया मी के लिए, इस तरह फिर इसको बारीक बारीक काट लिया। तो ये अब चिकन किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा या दोनों, इसको भी अब थोड़ा इसका कलर चेंज होने तक पकाते हैं। अच्छा जी ये देखिए माशाल्लाह चिकन की इस वक्त ये सिचुएशन है, चिकन ब्रेस्ट बोनलेस है, आप होल चिकन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी टमाटर और इसको 2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा जी, तो टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल गुल चुके हैं, जैसे कुछ लोग गल सड़ जाते हैं ना वैसे टमाटर भी गल गए। तो अब इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस, नमक 1 टेबल स्पून, क्रश चिली 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टेबल स्पून, तो बड़ी इलायची डाल के तो अब हमने इसको चंगे तरीके से भूनना है, भूनना है तकरीबन 20 से 15 मिनट। तो बस जी फिर हो जाएगा ये हमारा चिकन मसाला रेडी। इसको भूनते हैं हम साथ साथ में दूसरी चीज़ों को भी देखते हैं। अच्छा जी चिकन जो अच्छे तरीके से भून गया है, अब इसमें जितनी हमें ज़रूरत है ना उतना पानी डाल लेते हैं। अच्छा अम्मी तो मी चोलों के साथ चावल,
मी चावल के साथ चोल बोलते हैं यहाँ पे, ज़्यादा लंबा शोरबा करते हैं क्योंकि वो कहते हैं इसी तरह उनको बताया गया था, लेकिन मैं इतना नहीं करती, मैं सिर्फ मसाला मसाला रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में जिस तरह का खाया जाता है। आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आपने शोरबे वाला भी बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, लेकिन मैं शोरबे वाला नहीं बना रही, मैं सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल रही हूँ। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया। जी तो जितनी देर में चिकन की हो रही है बनाई, हम साथ साथ में रख देते हैं चावल भी पकने। तो चावल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मैं चावल बनाती हूँ मेरे चावल लेते हैं डबल पानी, तो मैंने चावल भिगो दिए, पतीले में 5 ग्लास पानी डाल लिया यानी कि बराबर का। अब उसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इस पानी को हम रख देंगे बॉयल आने तक, जब तक ये पानी में बॉयल नहीं आ जाता। तो ये आपको मैं दे रही हूँ रेसिपी सिंपल व्हाइट राइस बनाने की। आप इसमें साबुत जीरा भी डाल लें, बहुत अच्छा लगता है। मटर डाल लें, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। मिक्स वेजिटेबल डाल लें व्हाइट राइस में, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। जब तक पानी को बॉयल आता है, मैं आपको बैक कैमरे से चिकन की सिचुएशन दिखा देती हूँ कि चिकन जो है वो कहाँ तक पहुंचा। चिकन नीली डन है, बस उसमें अब हम ना हरा धनिया डालते हैं। ये है जी चिकन की फाइनल लुक, लेकिन मैं आपको प्लेट सजा के कंप्लीट दिखाऊंगी। ये चावलों का पानी जो है वो पकना शुरू हो गया, चावल मैं उठा लाई हूँ पानी निकाल कर। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल जैसे आप नमकीन चावल बनाते तड़के के बगैर, पानी नहीं निकालना पड़ता और टेस्ट भी अच्छा बनता है, चावल बड़े खिले खिले बनते हैं। वो जो लोग बनाते हैं ना पानी निकाल के गुफे से, वैसे नहीं बनते ये। बस यहाँ पे आपने एक दफा चम्मच हिलाना है और बिल्कुल वैसे पकाना है जैसे आप नॉर्मल नमकीन राइस बनाते हो, सिर्फ वैसे दम पे हो जाएंगे रखने वाले। तो दम पे 5 से 7 मिनट रखें और आपके व्हाइट राइस रेडी है। अच्छा जी, मी चोल की प्लेट माशाल्लाह से रेडी है। लाइट में रखूं जरा, आपको ना इधर से नजर नहीं आ रही। आमिर किधर लग रहे, किधर नहीं लग रही था। मेरे साहब जी के लिए प्लेट मैंने जी बनाई है, ये देखें माशाल्लाह से राइस है, चिकन है, मी है, सैलड है, योगर्ट है, ओनली क्रोन क्रैकर्स मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, आमिर साथ में क्रिस्प ले लेंगे। तो ये है मेरी फाइनल लुक, फाइन प्लेट आपको जो नज़र आ रही है मेरे अमर साहब के लिए मी चोल की, क्योंकि हर हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। बहनों अच्छा अच्छा खाना बनाओ। अच्छा जी, तो आपने मेरी सजी हुई प्लेट देख ली। आज आपको मैंने एक इंडोनेशियन डिश बताई मी चोल, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी प्लेट आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत, अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू मॉल फैमिली, और मिलती हूँ आपसे जल्दी जिंदगी ने वफा की। तो अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ और।